आर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम पर किसी के मैसेज पे जो प्रॉब्लम आता है, चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आ रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक ना? आप खुद ही समझ लीजिए, ठीक ना? क्या लिखा हुआ, एयरशिप्ड चार्ट। ये प्रॉब्लम जो आपके साथ भी आ रहा है, तो आपको लगता होगा आपका जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन किए हैं, वो ग्रुप आपका डिलीट हो गया है, यानी कि इधर चला गया है, वो पता नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है सोमेश ठाकरे, ये ग्रुप को मैं अभी करके दिखाऊंगा। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना आर्चिविट चार्ट, ऐसा करके मैं दिखाने वाला हूँ और ये प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले टेलीग्राम तो आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक ना? मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम को ओपन कर चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, ठीक ना? एक को सिंपली इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, जिसको भी आपको करना है, एक उंगली से उसको प्रेस करके रखना है, ठीक ना? चलिए मैं प्रेस करके रखता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं प्रेस करके रखा। प्रेस करके जैसे आप रख देंगे ना, ऊपर आपके पास एक 3 डॉट का बिंदु दिखाई देगा, ठीक ना? आपको क्या करना है, इस पर ओके करना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने का ऑप्शन आ जाएगा एयरचिव। ये देख सकते हैं आ गया एयरचिव का ऑप्शन, ठीक है ना? अब आपको इस पर ओके कर देना होगा, ठीक है? चलिए मैं इस पर ओके कर देता हूँ। जैसे आप इस पर ओके करेंगे ना, ये देख सकते हैं अभी आपके सामने था यह ग्रुप सोमेश ठाकरे, वो किधर चला गया पता ही नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं, मैं नीचे ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ, वो मेरा हट चुका है, ठीक ना? अब बात कर लेते हैं वो किधर गया है और आप उसको वापस फिर से किस प्रकार से ला सकते हैं, ठीक ना? वो किधर भी नहीं जाता, वो आपका मोबाइल में भी रहता है, ठीक ना? ये देख सकते हैं ऊपर एक दिखा दे रहा है ना, मैंने पहले भी बताया था एयरचेप्ड चार्ट्स, इसमें वो चला जाता है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा कितना इसमें आ चुका है, ठीक ना? अब मैं एक एक करके सबको मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव प्रूफ आपके सामने, ठीक है ना? तो सिंपली जिसको भी आपको निकालना है, उसको फिर से आपको उस पर उंगली से क्लिक करना होगा, ये प्रेस करके रखना होगा, ठीक है? इतना कर लेने के बाद आपको फिर से क्या करना है, जो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है अनचिव, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है ना? चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से आपको दूसरा करके मैं दिखा देता हूँ। फिर से आपको उसी पर क्लिक करना है, मैं फिर से दूसरा पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक ना? इसी तरह से मैं एक एक करके सबको आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ताकि मेरा वीडियो आपको फ्रॉड ना लगे, ठीक है ना? नहीं तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये तो आपका हुआ ही नहीं, ठीक ना? ऐसा ऐसा आप बोलेंगे, तो मैं वैसा नहीं, मैं जो भी बताता हूँ 100% रियल बताता हूँ, ठीक है ना? ये देख सकते हैं मैंने लगभग पूरा को कर चुका हूँ, यानी निकाल चुका हूँ उससे बाहर, ठीक ना? अब ये देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम में जितना भी है, ये देख सकते हैं पूरा यानी चार्ट्स आ चुका है। ये देख सकते हैं इतना फैंटेस्टिक राम राम चौधरी, ये था ये यानी पूरा था उसमें डाला हुआ, ठीक ना? ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आपसे फिर से गलती से डला जाता है ये अंगूरी प्रेस करके, ये घर में होता है ना बच्चा वच्चा, वो तो डाल ही देता है, फिर से जैसे कि डला गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस पर क्लिक करना है जो दिखाई दे रहा है चार्ट वाला सेक्शन पर, इस पर, ठीक ना? इस पर आपको क्लिक कर लेना, उसके बाद जो भी डाला होगा उसको आपको प्रेस करना है और ऊपर से कर देना होगा क्लिक, उसके बाद अन पे क्लिक करके आपको फिर से वापस निकाल लेना है, ठीक ना? तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो में पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा, यानी आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।